नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं प्रभाशीलता लाइव। हम आज बात करेंगे अचलपुर के विधायक ओम प्रकाश उर्फ बच्चू गुड़वैन की। बार बार सरकारी कर्मचारियों पर हाथ उठाना, उनके साथ में मारपीट करना, मारपीट करके बेवजह ही हर मामले को हद से ज़्यादा आगे बढ़ाना, ये जैसे आमदार साहब के हरदम की ही आदत होती जा रही है। अब इस बार आमदार साहब ने नासिक के महापालिका में जाकर वहाँ के आयुक्त पर ही हमला बोल दिया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा कर दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। आज दोपहर 2 बजे प्रहार द्वारा नासिक के महापालिका के मुख्यालय के सामने ही धरना आंदोलन किया जा रहा था। इस आंदोलन के बाद में बच्चू कड़ू अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करने के लिए महापालिका का आयुक्त अभिषेक कृष्णा इनसे मिलने गए। अभिषेक कृष्णा के साथ में हुई बातचीत उग्र रूप धारण करने लगी। बात जब हद से ज्यादा बढ़ने लग गई, तब गुस्साए विधायक बच्चू कड़ू इन्होंने अभिषेक कृष्णा पर हमला कर दिया। इस हमले का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर वक्त पर प्रहार के ही कार्यकर्ता उनको अगर रोक नहीं लेते तो ये प्रकरण और भी बढ़ सकता था। कार्यकर्ताओं ने अपनी सूझबूझता का परिचय देते हुए विधायक को आयुक्त से दूर कर दिया। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नासिक महापालिका के आयुक्त अभिषेक कृष्णा इन्होंने स्थानीय पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करा डाली, जिसके बाद में अचलपुर के विधायक बच्चू कड़ू इनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में 15,000 के पर्सनल बॉन्ड पर इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं था जब विधायक साहब ने किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी पर हाथ उठाए होंगे। अचलपुर से लेके मुंबई तक न जाने कितने ही अधिकारियों पर हाथ उठा चुके विधायक साहब सरकारी कर्मियों से मारपीट करने के लिए ही मशहूर होते जा रहे हैं। आज इस तरीके की मारपीट विधायक को किसी हालत में शोभा ही नहीं देती। बार बार बढ़ रहे प्रकरणों की वजह से कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के खबरों के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।